नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जो वो है कि नाद। नाद क्या है और इसकी किस्में क्या हैं, तो आइए जानते हैं कि नाद क्या है। सबसे पहले जान लें कि नाद संगीत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाद संगीत का आधार है, और अगर इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो नाद का अर्थ है आवाज यानी साउंड। परंतु संगीत में अगर बात करें तो वो आवाज जो मधुर है, जिसको संगीत में उपयोग किया जाता है, वो आवाज नाद कहलाती है, जो मधुर है, सुरमई है। और आगे इसकी दो किस्में हैं, आहत और अनाहत। आहत और अनाहत। दोस्तों, आहत नाद में आता है जब हम किसी चीज़ पर चोट या प्रहार करते हैं, या शुहन से जो आवाज़ पैदा होती है उसे हम आहत नाद कहते हैं। जैसे हारमोनियम में आवाज़ पैदा करने के लिए हम हवा भरते हैं, और तबले पर हम चोट करते हैं, सारंगी पर हम गज से लेकर शूहन करते हैं, तो तब जो है आहत नाद पैदा होता है। और अनाहत नाद के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आहत से बिल्कुल अलग नाद है, ये आम मनुष्य इसको सुनने के काबिल नहीं है, या कह सकते हैं कि आम मनुष्य इसको सुन नहीं सकता। ये अनाहत नाद कुछ खास लोग जैसे महापुरुष ही सुन सकते हैं, जो बहुत ध्यान लगाते हैं। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि आहत नाद है जो वो किसी चोट प्रहार या बल थोड़ा शूहन से पैदा होता है, और जो अनाहत नाद है वो किसी चोट से या प्रहार से या छूने से कोई आवाज़ पैदा नहीं होती, वो अंतर की जो आवाज़ होती है, अंतरात्मा की, तब वो नाद सुनाई देता है। तो आशा है कि आपको नाद के बारे में पता चला, और आहत और अनाहत जो इसकी दो किस्में हैं उनके बारे में आपको स्पष्ट हुआ। धन्यवाद।